हेलो एवरीवन, आई लव यू, आई मिस यू। जल्दी से मेरे घर आना, सूखी रहो। प्यारी सी फ्रॉक, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? लुक आउट, हियर शी कम्स, वुमन दैट आई लव। गुड मॉर्निंग गाइस। सो दिवाली बहुत बहुत पास आते जा रही है। आई होप आप सब लोग अपने रिलेटिव्स वगैरह से मिल रहे होंगे और दिवाली गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे होंगे। हमारे तो हो रहे हैं यार। आज भी हम लोगों को जाना है, आज मम्मा वाली साइड पे जाना है, कल दाद का साइड गए थे, आज नान का साइड जाना है। सो आई एम श्योर आपने वो वीडियो देखी होगी कल की हमारी, जिसमें हमने दाद के साइड पे इतनी फन किया, इन्जॉयमेंट की, और इतना अच्छा फंक्शन था यार वो। एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो आज का दिखाते हैं आपको यार। आज वी हैव टू गो टू आवर नानी साइड एंड यू नो आज वहाँ पे भी बहुत बड़ी गैदरिंग होने वाली है एंड इट्स गोना बी सो मच फन। दो तीन चीज़ें यार, वी वांट टू कंग्रेचुलेट अर्जुन एंड दिव्या, देयर चैनल हैज रीच 9 लाख सब्सक्राइबर्स। सो वी लव यू एंड यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। So keep doing supporting them and keep loving them. अगर अभी तक उनका चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो do subscribe to the channel. और दूसरी चीज, कल हम मिले थे हाउ इज द जोशी से। सो हाउ इज द जोशी को मेरे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करी थी कि इफ यू गाइस कैन जस्ट गिव हिम 1000 सब्सक्राइबर्स सो दैट ही गेट्स अ लिटिल मोटिवेटेड एंड यू नो गेट्स ऑन इट। इसकी व्लॉग्स बहुत ही अच्छे होते हैं, हमें खासकर हम दोनों को बहुत ही अच्छे लगते हैं वो व्लॉग्स। सो प्लीज उसकी वीडियो देखें और उसको सब्सक्राइब करें और उस चैनल को भी सपोर्ट करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई लव यू, मिस यू। जल्दी से मैं घर आना। क्रैकुलेशन, उधर देखो ना, क्रैकुलेशन बुआ। कंग्रेचुलेशन बुआ, वेरी गुड। और कल कैसा था आपकी इवनिंग? अच्छी, बहुत अच्छी, और मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले। मम्मा, मुझे आज और गिफ्ट मिले। हाँ बेटा, आज की आज तो बहुत अलग दिखूं। गिफ्ट ही गिफ्ट इकट्ठी करी जा रही हो मुझी, मेरी मिर्ची। सो गाइस, आप लोगों के साथ हमें एक चीज शेयर करनी थी यार। वी आर प्लानिंग एक्चुअली समथिंग। हम लोगों की, मेरी और राहुल की एनिवर्सरी आ रही है और हम यूजुअली एक ट्रिप करते हैं अपनी एनिवर्सरी पे, और इस बार हम थोड़ा सा कुछ अलग करने जा रहे हैं। वी डूइंग अ ट्रिप। कैसे कर रहे हैं हम वो? सो गाइस, सो गाइज, वी आर प्लानिंग अ ट्रिप टू राजस्थान और दिवाली के राइट आफ्टर दिवाली वी विल बी ट्राइंग टू मूव आउट, क्योंकि हमने अपनी एनिवर्सरी पे इधर होना पड़ेगा, हमें बीच में कुछ काम है हमें 2-3 दिन का। सो उससे पहले वी विल गो एंड एक्सप्लोर राजस्थान एंड द बेस्ट पार्ट एंड द यूनिक पार्ट इज दैट सिमर को कभी भी ये पसंद नहीं है कि हमारी बुकिंग्स ना हुई हों, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि बच्चे के साथ हैं तो वी शुड बी मोर कंफर्टेबल, जाओ और चेक इन करो। बट हमने इस बारी, और मेरा हमेशा से मन करता है कि हम बैकपैक की तरह जाएं, मतलब इन द सेंस हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी डेस्टिनेशन होने वाली है, एंड टू बी वेरी ट्रू वी विल नॉट नो व्हाट आर डेस्टिनेशन इज। तो जिस तारीख को हम निकलेंगे सुबह, हम उस दिन डिसाइड करेंगे कि आज हम पहले डेस्टिनेशन पहले दिन कहाँ रुकने वाले हैं। एंड इट्स गोना बी अ बिग ट्रिप, इन द सेंस 10 दिन से ज़्यादा का ट्रिप होगा, एंड वी वॉन्ट योर सपोर्ट इन दैट, क्योंकि हम कुछ अलग कर रहे हैं एंड वी वॉन्ट यू गाइज टू यू नो शेयर दोज वीडियोज एंड शेयर योर आइडियाज, राइट? एंड यू कैन टेल अस द डेस्टिनेशन ऑल्सो इन केस यू नो यू वॉन्ट अस टू, कोई राजस्थान से है यू नो, अभी कोई राजस्थान से हैं हमारे व्यूअर्स जो यू नो हमें बता सकते हैं कि ये अच्छी चीज़ें और अनएक्सप्लोर्ड हैं। बेसिकली हमने जयपुर देखा हुआ है, हमने उदयपुर देखा हुआ है, इन दोनों जगहों के अलावा हम काफ़ी 3-4 जगहें कवर करना चाहते हैं। तो अगर आपकी कुछ आइडियाज हैं तो आप लोग हमें बता सकते हैं। सो दिखाते हैं आपको, वी आर सो एक्साइटेड फॉर इट। लेट द दिवाली बी ओवर एंड यू विल गेट द न्यू न्यूज कि हम लोग निकल चुके हैं घर से बिना बुकिंग्स के और पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है दादू सेठी? क्या हो रहा है? अच्छा, सलाद कट रही है, वेरी नाइस। गुड मॉर्निंग मम्मा, आप बताओ क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, ठीक हो? क्या गर्म हो रहा है? सो गाइस, अभी तो ये चलेंगे थोड़े दिन में, आज ही खत्म करना है। अच्छा, आज रात को भी तो आएगा कुछ नहीं, जहाँ से डिनर करके आएंगे। सो गाइस, कल वहाँ पे आया, वहाँ से आया था कढ़ी और छोले, तो कल रात को हमने पनीर खत्म किया, आज हमारे पास छोले हैं और कढ़ी है। और ऐसे क्या देख रहे हैं मम्मी, सच्चाई? हाँ, अरबी अभी नहीं बनाई मम्मी, अरबी 4 दिन पुरानी है। बताओ गई मम्मी, आपने इसमें जीरा डाला होगा, अभी जीरा अरबी होगी तो। और सो गाइस, अभी रात को आज आपको वहां से भी खाने पैक करके आएंगे, क्योंकि वहां पे भी बचेगा ना, तो मम्मी कह रही है ये सब आज खत्म करना है, ठीक है? कितने क्यूट हो आप, हैं? कितनी क्यूट हो। और मैं भी तो क्यूट हूं। आप तो बहुत ही क्यूट हो। ये देखो गाइस, ये देखो, इससे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है और
वैसे तो चढ़ जाती है बट अभी शूज पहने में शायद तो इसलिए ओए ओए डग्गो मेरे डग्गो स्लैब पे पहने मेरे डग्गो। सो गाइस खाना स्टार्ट हो चुका है। आज है चावल कड़ी अरबी छोले और दाल। छोले दाल छोले कहाँ गया छोले यार छोले चावल। Let's see, what will you have? रिची ने हर चीज खाया अभी देखना बोतल से मुंह लगा के तो ये कैसा सा लग रहा है साइड पे मुझे मेरा क्यूटो। सो गाइस ऊपर भी लाइटें लगा रहे हैं मैंने थोड़ा चमका दिया जाए घर को। अंदर की सफाइयां तो हो ही गई हैं अब जरा बाहर की चमक भी ला दी जाए। सो गाइस लाइटें चल पड़ी हैं ऊपर वाले फ्लोर पे भी। सो दिस इज हाउ दे आर लुकिंग। और आसपास सब जगह देखो कितनी चांदनी कितनी रोशनी कितना बढ़िया सुंदर लाइटों वाला हिसाब किताब हो रखा है ना। सब लोगों ने सजा रखे हैं अपने घर। अब चाय बनाता हूँ यार ओ तेरी तो वाह। पापा मम्मी गिफ्ट पैक कर रहे हैं शाम के लिए आज मासी इसके सबसे मिलना है। सो गाइज ये हो चुकी है द सेठी फैमिली तैयार और ये है हमारी रिची। रिची की मम्मा को तो दिखने दो और रिची को भी देखने दो सीधा खड़े हो दोनों। होए होए गाइज देख रहे हो क्या ग्लिटरी सी प्यारी सी फ्रॉक। क्या हुआ व्हाट हैपेंड और मम्मा को देख लो जरा मम्मा को देख लो जरा आय हाय। अच्छा जी आप लोग तरस गए मेरे को भी देखने के लिए तो मुझे भी मुझे भी देख लो भाई आज है पर्पल कुर्ता कैसा लग रहा हूँ मैं बता देना फिर अपना बंदा मैं कैसा लग रहा हूँ मेरे को बताओ मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ। गाइस आप बता देना किस किस के बारे में कमेंट्स मांगता हूँ मैं अपने बारे में मांगता हूँ अभी कोई कमेंट्स आज मांगा देखो पहली बारी पर्पल कुर्ता आप मिस कर रहे हो ना मैं इन दोनों को दिखा देता फिर आप कहते जी आप कैसे लग रहे थे पता ही नहीं चला तो इसलिए मैंने ये देखो गाइस अब थोड़ा हाँ रजवाड़ा जैसा लग रहा हूँ लग रहा राजस्थान जाना है फिर रजवाड़ा जैसा तो लगना ही पड़ेगा। जी। ये कौन आया अच्छा जी सो गाइस निकल गए हैं सब लोग से हाय एवरीवन हेलो गाड़ी में बैठ के ना रिदा कर रही है कल ट्रेन भाई रिदा ने ना क्योंकि मैंने दुपट्टा लिया हुआ है शी वांट्स टू टेक दिस दुपट्टा तो ये नहीं समझ आ रहा है कि उसने क्रॉप पहनी है। वाओ देखो हां भाई ऊपर से हाय करते हुए रिदा का ऊपर वही चल रहा है रिदा नहीं आई है उसका फेवरेट काम तो मैं मिलाती हूं आप सबको। बढ़िया भैया ठीक ठाक बहुत बहुत मुबारक आपको भी। किरण दादी ने बनाई भेलपुरी वो भी तो लो ना। किरण दादी ने बनाई भेलपुरी हमारी प्यारी किरण दादी है आप सब भी आओ शेयर करो हमारे साथ हाँ है ना सबसे कैमरा फ्रेंडली इनका देखो ऑफिस चल रहा है लोगों का अभी भी। ये देखो गाइस मैंने इस औरत को पकड़ा किचन में क्या कर रही हो तुम यहाँ ये कौन सा मोटर बम चलती क्या करना है इसमें जो इसको डिस्टर्ब कर देना गैस आपको होता है क्या ऐसे छींक मार रहे और किसी ने मैं ना मुझे जो छींक आती है ना मुझे ना सूरज को देख के छींक आती है मैंने एकदम पहले भी बताया होगा तो मुझे रात को छींक बहुत मुश्किल से आती है मतलब मुझे से ट्यूबलाइट देखनी पड़ेगी अल्लाह ट्राई अब मुझे आ रही थी उस बंदे ने मुझे तंग कर दिया खराब है बंदा खत्म है। सो गाइस आज विमल अंकल का बर्थडे है एंड ही इज टर्निंग 65 टुडे कंग्रेचुलेशंस हैप्पी बर्थडे विमल अंकल गॉड ब्लेस यू। और अपेरेंटली आज हम गेट टुगेदर भी हुआ है तो आज इनका बर्थडे केक हम यहीं पे कट करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर विमल अंकल
लड्डू खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। तो रिदा को विधि बुआ ने दिया है एक गिफ्ट, कल भी गिफ्ट आज भी गिफ्ट, रिदा कितने गिफ्ट यार। हैप्पी दिवाली रिदा फ्रॉम किरण दादी। वाव क्या लग रहा है, क्या होगा इसके अंदर, मुझे तो बड़ा एक्साइटिंग सा। ओ माय माय, ओ गॉड, दिस इज गोइंग टू बी सो गुड। क्या व्हाट इज दिस, कुछ तो आया है भाई, कोई तो सेट आया है, कोई तो सेट, ओ फैशन सेट। सो रिदा इज नाउ गोइंग टू से थैंक यू टू विधि बुआ, बोरी विधि बुआ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाव देखो मम्मा क्या आया रिदा का, इतने दिनों से छुपाया हुआ था और विधि विधि हुआ ने क्या कर दिया। मारो मुझे, मारो। ये दादी से पूछो, दादी से आराम से पूछो किसको देना है, वो पूछ रही है। ये बेबी दादी को देना है, अभी रुक जाओ, दादी एक और गिफ्ट ला रही है, उसके साथ देना बच्चे, उसके साथ देना। रिदा गिफ्ट ला रही है बीबी मासी का और दादी का वेट कर रही है साथ में। बेबी दादी से हैप्पी दिवाली, बल्ले बल्ले। पास पता लिखा क्या, पास पास दिया। ये लोग खेल रहे हैं बैंको बैंको, चलो अरुण मासी वाली गेम है। ओले अरुण मासी यार, मासी बर्फी ना खाओ, अब देखते हैं मम्मी का पत्ता आता ही नहीं आता बीच में। मासी तो बोलो, नहीं लेते पचास, चार और क्यू पे दो का आ गया। ऐसे दे दे दुखी राजा, राजा ऐसे दुखी इतना दे दे। मैं गन्ने वाला नहीं बनाऊंगा, मुझे कुछ बना मत दियो। अभी देख रिदा ने किरण दादी को क्या बनाया। रिदा इज द बेस्ट बडीज, और तू भी बाहर निकलो मैं काली टी शर्ट। रिदा मुझे डॉल मत बना दियो, मैं बाकी सब ठीक है। रिदा मैंने माफ कर दिया, ये देखने के बाद तो पता नहीं क्या क्या फूटा। एक बार मुझे सामने रख के दिखाओ कैसा लग रहा है, आर्यन एक बार मुझे सामने रख के दिखा कैसा। बच्चा है, भाई आज पूछिए सिर्फ उनके लिए जो गिफ्ट दे रहे हैं। पहली विधि को मिली, अब दूसरी बेबी दादी को मिल गई। बेबी दादी ने क्या दिया है देखो, ओह माय गॉड, ये दिखा दो साथ में। ओ भाई क्रॉस करके, क्रॉस ऐसे करके, ऐसे यही तो मेन अट्रैक्शन है। रिदा इज मैड अपने गिफ्ट डालने में, रिदा ये लिफाफा फट जाएगा बेटा, वो भी आपका ही है ना। हैप्पी दिवाली, वेरी गुड रिचि। सो गाइज वी आर बैक एट होम और दिवाली पार्टी अच्छी रही। आई होप आप लोगों की भी दिवाली पार्टी चल रही हों, रिश्तेदारों से मिल रहे हों और सब लोग खुश रहे हैं। यार ये टाइम ऐसा होता है कि यू नो चारों तरफ बहुत अच्छा माहौल होता है, तो हैप्पी दिवाली। यस यू कैन ओपन इट फॉर मी, माय बटरफ्लाई, माय बटरफ्लाई नहीं, इट्स अ बटरफ्लाई। एंड रिचीज यार आप लोग मिस कर रहे थे रिदा की, गुड नाइट कर दो। हेलो एवरीवन, आई लव यू एंड मिस यू, जल्दी से मेरे घर आना, सूखी रहो। आपको एक चीज बताऊं, मैं वहां से आ रही थी तो एक नाली वाला गड्ढा नहीं, एक नॉर्मल गड्ढा सर्कल वाला, उस मैंने कार्तिक चाचू का हाथ पकड़ा था और मैं और लू से और मैं गिर गई उस गड्ढे के, थोड़ी सी
चोट लग गई है ना। आप छिलना मत बस। ये चोट लग गई रित्सी, घर तो दिख नहीं रही है, दिख रही है आपको? हाँ। रित्सी को थोड़ी सी चोट लग गई क्योंकि रित्सी गद्दे में गिर गई थी। तो गुड नाइट कर दो। गुड नाइट। मुझे दर्द हो रहा है, मैं सुनूं सुनो रखे कह रही, मेरे को दर्द हो रहा है इसलिए मैं सुनू। सो गुड नाइट गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ। सीटी साहब का कितना पेट निकल रहा है सर। अरे नहीं, ही सिटिंग लाइक दैट, दैट्स व्हाई यू नो पेट दिख रहा था। कवर कर रही है, एक्सपोज करके कवर करना, कोई इससे सीखे। यही तो धर्म पत्नी का कार्य होता है कि आपको पहले एक्सपोज करे और फिर कवर करे। रखे मेरा प्यार ही कुछ ऐसा है, देखो यार, ठीक है ना। तो मिलते हैं अब हम आपसे अगले सीन में, देखते हैं क्या होता है। कल सुबह मिलते हैं गाइस, गुड नाइट, बाय बाय। I fall behind every time that you're around, and it's a